हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे इस संदेश को समझने के लिए। मैं बीमार हूं फिर भी वीडियो बना रहा हूं, क्या पता इस संदेश के द्वारा कोई ना कोई आत्मा बच जाए और मन फिरा ले और यीशु मसीह के पास लौट आए। ठीक है, क्या कारण है हम चर्च भी जाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और उपवास भी रहते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनता है? दुख तकलीफ ही रहती है हमारे जीवन में, दुख तकलीफ ही रहती है। हम गरीब हैं, लाचार हैं, हमारी कोई सुधि नहीं लेता है, हमारी परमेश्वर प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनता, हमें बीमार ही रहता हूं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण हैं तो वीडियो को पूरा आंख खोलकर ध्यान से देख लेना जो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को भी माने। यीशु ने साफ कहा है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी आपको मानना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और उसके साथ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। ठीक है, तुमने जो पाप किया है यीशु ने देखा है, अपने पापों को मानो परमेश्वर के सामने, क्योंकि समय थोड़ा बचा हुआ है, मन फिरा लो, अंत निकट है। यीशु ने कहा है, तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो मैं किस दिन आऊँगा या किस घड़ी आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान का समय थोड़ा ही बचा हुआ है, शैतान का थोड़ा ही समय बचा हुआ है, वो तो उस नर्क में जाएगा ही। बाबा ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया जा रहा है। एक समय की बात है, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बढ़ते थे तो चेले लोग यीशु मसीह से आकर पूछने लगे, हे गुरु, हे स्वामी, हमसे बता दे कि तेरे आने के और तेरे जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी, यीशु ने उनको उत्तर दिया था अपने चेलों को, सावधान रहो ऐसा ना हो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु मसीह ने यह बात पहले कही थी अपने चेलों से, क्योंकि यीशु मसीह जानता था मेरे नाम के कारण आएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, भरमाएंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह पहले ही से जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम से बहुत से लोग उठेंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह की तरफ से हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम सावधान रहना कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मेरे प्रियो, यीशु ने ये बात पहले कही थी, इसलिए तैयार रहिए मेरे प्रियो। ठीक है, क्योंकि देखिए यीशु मसीह का वचन कहता है, जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह ने कहा है, तुम नहीं जानते हो वह घड़ी कब की है, सुबह की है या रात की है या दोपहर की है, वह घड़ी किसी भी वक्त की हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं, जागृत रहने की आवश्यकताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने प्राणों को बचाओ, जो तुमको अवसर मिला है, जो यीशु मसीह ने आपको अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। खुद परमेश्वर, जरा सोचो मेरे प्रियो, मैं आपको गहराई से अच्छे से बता रहा हूँ, जरा सोचो, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। 30-32 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए, क्यों? हमारे और आपके पापों के लिए। उस पर ताड़ना पड़ी, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, 39 कोड़े पड़े, है ना? इतना परमेश्वर ने दुख सहा, दर्द सहा हमारे और आपके पापों के लिए। मेरे प्रियो, ऐसा कोई धरती पर मनुष्य नहीं है जो एक दूसरे के लिए लहू बहा सकता है। खुद एक वही परमेश्वर है जो हम सभी लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहा दिया। मेरे प्रियो, आज भाई भाई का कत्ल कर देते हैं धन दौलत के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, तो जरा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा? वही एक परमेश्वर मात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम सभी के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया। मेरे प्रियो, याद करो, थोमा भारत आया था प्रचार करने, भारत वालों ने थोमा को भालों से बेधा
यूहन्ना को तेल में तला गया, यूहन्ना तेल में तला गया, पतरस उल्टा लटकाया गया। इनके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियो, महसूस करो। पाप पे विचार के द्वारा हमें परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि तुम दान देके मोल खरीदे लिए गए हो मेरे प्रियो। तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे कामों समेत बदल जाना चाहिए। तुम्हें नया जन यीशु मसीह ने दिया मेरे प्रियो। पाप पे विचार नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। दिन बुरे ही शैतान अपना हथियार बना लेता है। वह जानता है मेरे प्रियो कि कौन मसीही किस पाप में गिरता है, और वह शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराता है मेरे प्रियो। इसलिए अपने प्राणों को बचाओ, समय कम बचा हुआ है। दिन बुरे हैं, शैतान का थोड़ा ही समय बचा हुआ। शैतान का न्याय यीशु मसीह ने पहले ही से कर दिया था, वो तो उस नरक में जाएगा ही मेरे प्रियो, जाएगा ही। आशा करते हैं संदेश के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष देगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।